आप कॉलम का सेटरिंग करें जैसे दीवार लगाने के बाद जब आप कॉलम का सेटरिंग करते हो तो उसका सेटरिंग करने का जो तरीका है सबसे अच्छा वो क्या है आज मैं आपको बताऊंगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तार मारा गया है जैसे एक तार यहाँ मारा गया है यहाँ पे कनेक्ट किया गया है दूसरा तार यहाँ मारा गया है बीच में यहाँ कनेक्ट किया गया है एक ही तार को घुमा कर यहाँ मारा गया है यहीं से एक तार इधर का घुमा दिया गया यहाँ पर मारा गया है जैसे यहाँ पर कनेक्ट किया गया एक तार यहाँ मारा गया है अब इसका अब आप लोगों के ध्यान में ये चल रहा होगा दिमाग में कि इसका साहुल कैसे करते हैं देखिए पहले तो आपको यहाँ पर का थिकनेस नाप लेना है कि ये पलाई का मोटाई कितना है फिर उसके बाद यहाँ पे एक साहुल लटका के इसको नापना है कि परफेक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा अगर यहाँ पचास ईम एम मिल रहा है तो यहाँ भी आपको पचास ईम एम का गैप दिखना चाहिए तो इसका साहुल हो गया ऊपर का साउल कैसे करते हैं फिर यहाँ जब आप यहाँ का साउल कर लीजिएगा तो ऊपर से एक साहुल लटका के यहाँ तक साउल कर लीजिएगा हो जाएगा इसका साउल और इसको लगाने का जो तरीका है वो बताता हूँ मैं देखिए पहले आपको तीन फर्मा लेके उसको आपस में कनेक्ट करना है जब भी आप दीवाल वाला कॉलम डालते हैं तो दीवार लगाने के बाद कॉलम डालते हैं तो पहले तीन फर्मा को जोड़ के एक कनेक्ट कर लेना है उसके बाद ऊपर टांग देना है टांगने के बाद आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पहली बात आपको सिकंजे का सबसे ज़्यादा उपयोग करना है अगर आप कील नहीं भी मारते हैं तो दो से तीन सिकंजा मार दीजिएगा रुक जाएगा ये लेकिन उससे दिक्कत होता है थोड़ा लेकिन आप कील एक से दो मार ले कच्चा कर ले उसके बाद सिकंजा मार दे जैसे हमने देखिए यहाँ पर सरिया अटैच किया है सरिया अटैच किया है दीवार में और दीवार के साथ सिकंजा को कस दिया है ताकि ये बाहर भागे ना तो ये तरीका सबसे अच्छा है इसको लगाने का अगर आप भी कभी सेटिंग करें तो इस तरह ही करें और हमने एक तार इस तरह मारा है उसमें इसलिए कि उससे और मजबूत हो जाए ये बाहर भागे ना और हमने इसमें रोक के लिए ये आपको तत्काल सेवा में लगा हुआ है कि कभी इधर उधर भागे ना इसलिए मैंने यहाँ पे जग नहीं था तो मैंने दो दो या तीन फोल्डिंग इसमें टच कर दिया कि ताकि ये इधर उधर भागे ना ये सबसे अच्छा तरीका है सेटरिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है आप भी कभी करें तो इस प्रकार से करें और मिलते हैं हम इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइन ज़रूर दबाए और ये तरीका कैसा लगा आपको सेटरिंग करने का आप कमेंट में ज़रूर बताएँ